आईफोन 15 लॉन्च हो चुका है एंड ये है भीड़ आईफोन 15 लेने के लिए। एक से 2 लाख रुपए का फोन लेने के लिए इतना भीड़। एंड इस आदमी ने तो 17 घंटे लाइन पर वेट करा सिर्फ आईफोन 15 लेने के लिए। एंड कुछ लोग तो सुबह 4 बजे से खड़े हैं आईफोन 15 लेने के लिए। एंड कुछ लोग तो स्टोर पर ही लड़ाई करना चालू कर दिया। बट मेरा दिमाग तब घुमा जब मैंने देखा कि 70% इंडिया में जो आईफोन बिकते हैं वो ईएमआई पर बिकता है। अगर आप इंडिया में 25,000 रुपए कमाते हो तो आप इंडिया में टॉप 10% वाले अर्निंग कैटेगरी में आ जाते हो। तो मतलब 90% से भी ज्यादा लोग 25,000 रुपए से कम कमाते हैं महीने में एंड 70% आईफोन ईएमआई पर बिक रहे हैं। मतलब कुछ प्रॉब्लम तो है। ऐसे रखता हूं तभी इसकी नजर पड़ेगी इस पे। जो 90% लोग हैं जिनकी महीने की तनख्वाह 25,000 से भी कम है, एक आईफोन लेने के लिए उनको 4 महीने का पैसा गंवाना पड़ेगा। एक साल में 4 महीने का पैसा एक आईफोन लेने पे चला जाएगा उनका। प्रॉब्लम तो है, खत्म हो गए। एक एवरेज आईफोन की कीमत 70,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक होते हैं। एंड बिलीव मी और नॉट, लोग भारी मात्रा में खरीद रहे हैं ईएमआई पर आईफोन। इसका मतलब क्या है, लोगों के पास पैसे नहीं है पर आईफोन तो खरीदना है, चाहे 4 महीने की सैलरी लगाकर हो या पूरे साल भर। एंड ज्यादा लोगों को वो चीज चाहिए भी नहीं, वो उनकी जो नीड है वो 15,000 के आसपास फोन में भी हो जाता है, आराम से हो जाता है। पर वो फील करते हैं अंदर से हमें चाहिए एंड उनको ये फील कराया जाता है। अगर तुम भी आईफोन 15 लेने वाले हो या कोई भी सोचा है लेने का, हो सकता है ये वीडियो तुम्हें लॉजिकली कुछ थिंक करने के लिए मजबूर कर दे। देखो, जो अमीर है जिसके लिए 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, वो फोन ले ले कुछ भी कर ले उसको बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। पर जिसका 4 महीने की पूरी सैलरी एक फोन लेने में जा रहा है उसको डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ने वाला है। तो इसका सोल्यूशन सिंपल भाषा में एक ही निकलता है कि शो ऑफ करना, ये देखो दुनिया वालों आईफोन। पर नहीं, इंटरेस्टिंगली कुछ और भी कारण है जो हम जानेंगे आगे वीडियो में। देखो यार, पहला आईफोन लॉन्च हुआ था 2007 में एंड इट वाज अ गेम चेंजर। दुनिया की आंखें निकल गया था उस दिन स्टीव जॉब्स की स्पीच सुनकर। उस दिनों आईपॉड, इंटरनेट कम्युनिकेशन एंड कॉलिंग तीनों अलग अलग चीज हुआ करता था, तीनों अलग अलग डिवाइस था एंड एक्सपेंसिव भी था एंड रेयर था, बहुत ही कम ही गिने चुने लोगों के पास होते थे। पर 29 जून 2007 में स्टीव जॉब्स दुनिया के सामने आके बोलते हैं कि आज एप्पल 3 चीजें लॉन्च करने वाला है। 3 revolutionary products of this class. पहला चीज था एक वाइड स्क्रीन टच कंट्रोल आईपॉड एंड उस टाइम फुल्ली टच स्क्रीन जैसा कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता था। ऑल्सो इट वॉज अनइमेजिनेबल, इंटरनेट कम्युनिकेशन एंड कॉलिंग। एंड लोगों ने सोचा ठीक है 3 चीज लॉन्च कर रहे हैं, पर स्टीव जॉब्स ने बोला ये 3 चीज एक ही डिवाइस है। तभी लोगों का दिमाग उड़ा। These are not 3 separate devices. This is 1 device. लोगों का दिमाग और था बुरा जब उन्होंने बोला कि फुल्ली टच है ये फोन एंड उस टाइम पे फुल्ली टच जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। उस टाइम के फोन ऐसे दिखते थे। उस पॉइंट ऑफ टाइम तक कीबोर्ड फोन में नहीं होता था, जैसा हम जानते हैं कि कीपैड फोन में नहीं होता है। हर एक ऐप खुलते ही, हर एक पेज खुलते ही पूरा इंटरफेस नहीं चेंज होता था। लोगों के लिए उस टाइम पर फुल्ली टच फोन इमेजिन करना भी बहुत बड़ी बात था एंड आईफोन ही था जिसने ये पूरा इंटरफेस ही बदल दिया एंड पूरा गेम ही चेंज कर दिया। You'll be surprised by some of the stuff you find on YouTube. एंड नो डाउट आईफोन की हिस्ट्री रही है कि टेक्नोलॉजी वो बनाता है, वो गेम चेंज करता है। ओवरऑल एप्पल का एप्पल कंप्यूटर एंड आईफोन पूरे वर्ल्ड में बहुत ही गेम चेंजर रहा है शुरू से। अब ये लोग इतने लाइन पर लगे हैं क्योंकि एप्पल अपने प्रोडक्ट को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचता है, आईफोन एक आज की डेट में स्टेटस सिंबल बन चुका है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज की हमेशा से स्ट्रेटेजी रही है, इसकी नीड अगर लोगों की है, वो बढ़िया टेक्नोलॉजी है या कुछ भी है, लोग खरीद तो लेंगे। पर तुम मैसिव लेवल पर सक्सेस तब पाओगे जब इसको तुम फैशन से जोड़ दोगे, तुम स्टाइल आइकन बना दोगे, तुम स्टेटस सिंबल बना दोगे एंड एप्पल ने वही किया। एप्पल की हमेशा से मार्केटिंग यही रही है कि ये फोन एक स्टाइल आइकन है एंड ये फैशन एंड स्टेटस सिंबल वाला मार्केटिंग इतना सक्सेसफुल हुआ कि लोग आईफोन लॉन्च होने के पहले रात से एप्पल स्टोर के सामने टेंट लगा के सो जाते हैं ताकि वो सुबह उठकर पहले फोन खरीद सके। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया एंड इंडिया में इधर 17 घंटे लोग लाइन पर खड़े हुए, भाई काम धाम नहीं हुआ तुम लोगों का। पर ये जो इंडिया के मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, ये जाने अनजाने में नुकसान कर बैठते हैं अपने इन्हीं चक्करों में। वो जो 4 महीने की सैलरी तुम्हारी कोई अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी आ जाए तो उस पे खर्च करना हो सकता था, या तुम घर बनाने के लिए पैसे जोड़ रहे थे, कुछ भी हो सकता है, वो 4 महीने की पूरी अमाउंट तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है। एंड माइंड यू, इसमें हम उन 90% लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी मंथली सैलरी 25,000 से कम है। जो लोग इंडिया के टॉप 10% अर्निंग कैटेगरी में आते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग खरीद सकते हैं क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं इजीली। उनके लिए 1 लाख चला भी जाए तो उन पे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आने वाला। सीधे सवाल पे आते हैं कि लोग ये कर क्यों रहे हैं, इंडिया में ये 90% लोग ईएमआई पर क्यों खरीद रहे हैं फोन। पुअर पीपल डोंट वांट टू बी पुअर, इट मेक्स देयर पॉवर्टी लेस कॉन्स्पिशियस। जो लोअर मिडिल क्लास लोग है वो पूर दिखना नहीं चाहते, इसलिए वो आईफोन खरीदते हैं क्योंकि वो स्टेटस सिंबल है एंड वो इस पॉवर्टी को
लेस विजिबल करते हैं, छुपा देते हैं, यही सोच है इसके पीछे। देखो आप पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं, जो कि पहला पॉइंट है लो सेल्फ एस्टीम। लोग खुद को उतना वैल्यूएबल नहीं समझते हैं, एंड क्योंकि आईफोन एक आज की डेट में स्टेटस सिंबल बन चुका है, तो लोग उसकी सहारा लेते हैं अपनी पॉवर्टी को छुपाने के लिए। जब किसी का खुद का कुछ वैल्यू नहीं होता, जो लोग खुद में कुछ वैल्यू नहीं देखते, वो दूसरे इंसानों का या दूसरे चीजों का सहारा लेते हैं खुद को वैल्यूएबल दिखाने के लिए। वो लग्जरी गुड बाय करते हैं टू हाइड देयर पॉवर्टी। लोग खुद को रिच दिखाते हैं इवन दे आर नॉट। दिस इज ऑब्वियसली नॉट हेल्दी। लोग खुद के रियलिटी को दुनिया के सामने एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लोग फेक रिच चीजें दिखाना चाहते हैं दुनिया के सामने, एंड ये इवेंचुअली उनको एक डेट ट्रैप की तरफ ले जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लिविंग द ड्रीम। हम सबके कुछ ड्रीम होते हैं कि मैं ये बन जाऊंगा तो उस टाइम पे ये फोन खरीदूंगा, वो गाड़ी खरीदूंगा। ओके, इट्स वेरी गुड थिंग, पर वो बन जाने के बाद ना कि पहले। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो फोन खरीद कर हेवी प्राइस चुका कर उस लग्जरी गुड को वो जब खरीदते हैं, उनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है कि यस आई मेड इट, मैंने अपनी ड्रीम फोन खरीद लिया, पर मैं जो बनने के बाद खरीदने वाला था वो मैंने पहले ही खरीद लिया। तो वो सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है, इसलिए लोग खरीदते हैं टू लिव देयर ड्रीम। ऑब्सेशन विद पोर्ट्रेइंग द सर्टेन स्टेटस। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहला तो है शो ऑफ। सी आईफोन एक एक्सपेंसिव गुड होने के नाते वो एक स्टेटस सिंबल बन चुका है, पर भैया सैमसंग की भी तो 1 लाख की 2 लाख की फोन आता है, तो फिर सैमसंग स्टेटस सिंबल क्यों नहीं बना? क्योंकि सैमसंग का फोन 2000 रुपए में भी मिल जाता है। तो ये सैमसंग का लोगो, सैमसंग फोन एक मालिक भी यूज कर सकता है एंड उसका ड्राइवर भी, पर आईफोन 2000 रुपए में अपना फोन नहीं बेचता, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता आईफोन, इसलिए ये स्टेटस सिंबल बन चुका है। एंड दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी लग्जरी ब्रांड है ना, वो सभी इसी फॉर्मूले को अपनाते हैं। वो कभी भी अपना प्रोडक्ट कम दाम में नहीं बेचता है, वो प्रोडक्ट फेंक देंगे पर कम दामों में नहीं बेचेंगे, क्योंकि उनका ब्रांड वैल्यू कम हो जाता है। एंड जब तुम अपने चारों तरफ ये देख रहे हो पूरी दुनिया में इस चीज की वाह वाह हो रहा है, ये चीज जिसके पास होता है लोग अटेंशन देते हैं, तो तुम अंदर से कन्वर्ट हो जाते हो, तुम खुद फील करने लगते हो कि तुम्हें वो चाहिए, तुम्हारा ड्रीम बन जाता है वो। चाहे तुम उसमें घंटा कुछ ना करो, तुम चीजें यूज वही करने वाले हो जो 15,000 की फोन पे करने वाले थे। ये चीज तुम्हें इवेंचुअली फाइनेंशियल क्राइसिस पे धकेल देंगे। यू नो एप्पल वालों ने जब देखा उनका ये फोन एक स्टेटस सिंबल बन चुका है, एंड क्योंकि इंडिया वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, टिम कुक ने तो ये तक कह दिया कि एप्पल इंडिया के मिडिल क्लास सेक्शन को टारगेट कर रहे हैं। टिम कुक ने कहा कि एप्पल कोशिश करेगा कि वो इंडिया के मिडिल क्लास सेक्शन को कन्विंस कर सके एक आईफोन लेने के लिए, एंड ट्रस्ट मी वो बहुत हद तक कामयाब भी रहे हैं। अगला पॉइंट है दे आर नॉट रियली पोर। कुछ लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो उतना पोर नहीं है जितना वो दिखते हैं। एकदम से जाएंगे एक आईफोन खरीद कर ले आएंगे और दुनिया को ऐसा दिखाएंगे कि वो जब चाहे आईफोन खरीद सकता था, पर वो उसने नहीं खरीदा क्योंकि वो उनको नॉर्मल रहना पसंद है। ऑफ कोर्स कुछ लोग होते हैं नॉर्मल रहना पसंद होते हैं उन्हें, एंड वो आईफोन भी खरीद सकते हैं, पर ये कुछ पूर लोग भी करते हैं। वो जस्ट प्रिटेंड कर रहे थे कि वो गरीब है, एंड ये सब होता है लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन की वजह से। कोई भी ऐसी एक्सपेंसिव चीज तुम्हें नहीं खरीदना चाहिए जो तुम्हें रिटर्न में उतना ही एक्सपेंस अर्न करके नहीं दे रहा हो। जब तुम अच्छा कमाते हो और कुछ ऐसी चीज खरीद लेते हो जिसमें तुम्हें उतना रिटर्न चाहिए भी नहीं, वो चीज कंप्लीटली जस्टिफाइड है। पर जब जो तुम लग्जरी चीज खरीद रहे हो, जो तुम एक्सपेंसिव गुड्स खरीद रहे हो, उसकी प्राइस जब तुम्हारे लिए बहुत मैटर करता है और अगर वो रिटर्न में कुछ दे ही नहीं रहा है तुम्हें, तो इट्स अ पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग। इसका ठीक उल्टा ही बिलियनियर्स करते हैं। बिलियनियर्स डोंट बाय लेस इंपॉर्टेंट बट हाई लग्जरी स्टफ। दुनिया के बड़े बड़े बिलियनियर्स ये एक्सपेंसिव चीजें नहीं खरीदते हैं, ये 1 लाख के जूते, 2 लाख के शर्ट, ये सब नहीं खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब अर्न करने के लिए बहुत मेहनत जाता है, ये बिल्कुल भी वर्दी नहीं है। उसका जो काम है उस पे बहुत कम खर्च करा जा सकता है और उतना ही काम देगा, तो उस चीज पे इतना खर्च करने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो मुझे रिटर्न नहीं देने वाला। उन्हें फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी तरीके से आता है। दिस इज नॉट टू से यू कैन नॉट अफोर्ड लग्जरीज, बट यू कैन मेक परहैप्स बेटर डिसीजंस द थिंग्स यू बाय। बिल गेट्स, जो कि अब लॉजिकली देखो तो इट मेक्स सेंस, राइट? तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वहां पर एक लाल तो नहीं यार, सफेद हो गया, आप सफेद कलर तो सब्सक्राइब का बटन है वो कर दो, एंड इसमें से जो दो वीडियो आ रहा है ना, आई विल चूज दिस वन बिकॉज ये बहुत फाड़ू वीडियो है। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।